नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि हम एक ओलेड टेलीविजन को एक क्यूलेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। पता है आप क्या सोच रहे हैं, फेयर कंपैरिजन नहीं है। मैं भी मानता हूँ फेयर कंपैरिजन नहीं है, पर मैं इसलिए ये कंपैरिजन करना चाहता था क्योंकि मार्केट में अगर आप निकले हुए हैं एक 55 इंच या 50 इंच की टेलीविजन को लेने के लिए, और आपके दिमाग में एक सर्टन बजट है, लेट्स से यू नो आपको एक ओलेड लेनी है 80,000 रुपए में, 90,000 रुपए में, तो बहुत सारे ऑप्शन है यार मार्केट में। एक इंसान ऑब्वियसली कंफ्यूज हो सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं ऐसे वीडियोस इसलिए बनाता हूं ताकि आपको यहां वहां जाके बहुत सारे इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स को देख करके ये डिसीजन लेना नहीं पड़ेगा। इंस्टेड ये एक वीडियो देख करके आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि इसमें से आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए प्रोडक्ट को तो भी भाई क्यों नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में, इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस वीडियो, मैं आपको ओलेड और क्यूलेट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, एकदम डिटेल में नहीं, हल्का फुल्का बता दूंगा, क्योंकि ये ओलेड वर्सेस क्यूलेट टेक्नोलॉजी की कंपैरिजन नहीं है। ये बस ये दो टेलीविजन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक है Xiaomi की ओलेड और दूसरी है व्यू मास्टरपीस ग्लो सीरीज की, एक्चुअली में कंपेरिजन वीडियो है। तो चलो भाई, इसी के साथ ये वीडियो को शुरुआत हम करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। अब बहुत सारे लिस्ट आपको मिलेंगे, बहुत सारे फीचर्स के यू नो लिस्ट मिलेंगे जब आप टेलीविजन को लेते हैं। मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है इस वीडियो में ताकि आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सहायता मिलेगी। और सारी चीजों को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है टेलीविजन में, वही पॉइंट्स के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं। तो दो टेलीविजन, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं Xiaomi और व्यू मास्टरपीस ग्लो की। तो मैं अपनी जो वीडियो है ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, और राइट साइड पे बैठ जाता हूँ आराम से। सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्ट्स और कनेक्टिविटी की। तो अब Xiaomi की जो OLED है ना, उसमें HDMI पोर्ट्स आपको तीन मिलेंगे और तीनों के तीनों HDMI 2.1 है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये एक 4K 60Hz पैनल है यार, OLED दे रहे थे वो भी एट दिस प्राइस पॉइंट, 90,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। यार आप 120Hz की तो डिस्प्ले या रिफ्रेश रेट देते, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उसे रेड में मार्क भी कर दिया है। व्यू मास्टरपीस ग्लो जो है उसमें आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, यानी एक ज्यादा, और इस 4 HDMI पोर्ट्स में से 2 है 4K 60Hz और 2 है एट 120Hz। तो इसका मतलब है आपको व्यू मास्टरपीस ग्लो में 120Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगी, जो ऑब्वियसली इज डबल ऑफ 60Hz, एंड स्पेशली अगर आप गेमिंग करते हैं ना, आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ऑब्वियसली HDMI पोर्ट्स के मामले में तो ये बाजी मार जाता है व्यू मास्टरपीस ग्लो। और रही बात HDMI eARC की, दोनों ही टेलीविजन में आपको HDMI eARC मिलेगा। USB की अगर हम बात करें, दोनों ही टेलीविजन में आपको 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, पर आपको Xiaomi की OLED में 2 HDMI 2.0 मिलेगा, सॉरी USB 2.0 मिलेगा, और आपको व्यू मास्टरपीस ग्लो में 2 USB मिलेंगे, जिसमें से एक है USB 3.0 और एक है USB 2.0। ऑप्टिकल पोर्ट आपको दोनों ही में मिलेगा, ईयरफोन का जो पोर्ट है वो आपको दोनों ही में मिलेगा, ईथरनेट लैंड पोर्ट आपको दोनों ही में मिलेगा, हालांकि यू नो कौन यूज करता है यार, सब तो वाईफाई से ही कनेक्टेड रहते हैं। वाईफाई की बात कर ले तो दोनों ही टेलीविजन में आपको डुअल बैंड वाईफाई यानी 2.45 GHz का सपोर्ट मिलेगा। ब्लूटूथ वर्जन भी 5.0 है दोनों ही में, और फार फील्ड माइक्स भी आपको दोनों ही में अवेलेबल मिलेंगी। मैं इसका फैन नहीं हूं, आई स्टिल लाइक यूजिंग यू नो गुड ओल्ड रिमोट कंट्रोल्स, ऑलराइट, पर अगर आप फैन हैं ऑफ कंट्रोलिंग योर टीवी थ्रू योर वॉइस, वो भी दूर बैठ करके, तो भाई दोनों ही टेलीविजन में फार फील्ड माइक है, आप गूगल असिस्टेंट को यूज करते हुए आप अपने टेलीविजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रहा आपके पोर्ट्स कनेक्टिविटी, वो सब को अगर मैं लेकर के बात करूं तो उसके बारे में ये एक कंपैरिजन हो गया। हाँ, अगर आप इसके यू नो प्रोडक्ट शीट में जाएंगे, बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ वहाँ, यू नो ये बोलेंगे कि इसमें ये अवेलेबल है, ये वो अवेलेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं वो सब पॉइंट्स यू नो थोड़ा बहुत विजिट कर लूंगा, पर इतना नहीं, ऑलराइट, क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं मेरे हिसाब से वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है व्हेन यू बाय अ टीवी। तो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात को आगे बढ़ करके हम देखते हैं इसके आगे क्या है, ऑडियो एंड साउंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप एक टेलीविजन को लेते हैं। अब Xiaomi OLED सीरीज में आपको 30 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं, जबकि व्यू मास्टरपीस ग्लो में आपको 100 वॉट का आउटपुट मिल रहा है, जो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 30 वॉट्स। अब इवन द नंबर ऑफ स्पीकर्स जो है
आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं ये Xiaomi की OLED सीरीज में, विच इज वे बेटर देन जो आपको इसकी MI की 5X सीरीज या Redmi X सीरीज में मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको 8 स्पीकर्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, और जितना ज्यादा आपका स्पीकर्स है उतना ज्यादा आपको स्टेरियो साउंड मिलेगा। तो इवन इफ इट क्लेम्स दैट इसमें Dolby Atmos है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो इट विल जस्ट साउंड बेटर बिकॉज इट्स गॉट दैट 8 स्पीकर सेटअप। तो हालांकि ये 30 वॉट्स है, इट इज स्टिल गोना बी मच बेटर देन योर MI की 5X या Redmi की X सीरीज की टेलीविजन। अब कंपेयर अगर हम इसे करें View Masterpiece Glow से, तो 100 वॉट के स्पीकर्स तो मिलते ही हैं, प्लस यहाँ पे 4 मास्टर स्पीकर्स मिलेंगे आपको और एक सब वूफर मिलेगा, और वो थंपिंग अगर आपको बेस चाहिए तो भाई दिस इज द टेलीविजन टू गो टू। हियर देयर इज नो कंपटीशन, ऑब्वियसली व्यू मास्टरपीस ग्लो जो है एकदम बाजी पूरा ऐसे मार जाता है, क्योंकि 100 वॉट्स के स्पीकर्स है प्लस एक सब वूफर है, प्लस अगर स्पीकर के सेटअप के बारे में भी बात कर ले, आपको Xiaomi OLED में सिर्फ 2.1 चैनल मिलेगा, यहाँ पे आपको 4.1 मिल रहा है, तो Dolby Atmos भी जो है ना वो एकदम खिल के एकदम अच्छे तरीके से आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और Dolby Atmos की अगर हम बात करें, दोनों ही में स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स Dolby Atmos का सपोर्ट है। अगर आप इन दोनों टेलीविजन को कनेक्ट करना चाहते हैं एक साउंड सिस्टम या म्यूजिक सिस्टम के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं थ्रू HDMI eARC, जिसे हमने लास्ट वाली सेक्शन में देखा था। यहाँ पे आर्क का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, तो आप म्यूजिक सिस्टम को eARC के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से View Masterpiece Glow की जो 100 वॉट्स के स्पीकर्स है, दैट इज वेरी रिस्पेक्टेबल, तो आपको साउंड सिस्टम या साउंड बार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर इफ यू आर एन ऑडियोफाइल, अगर आप चाहते हैं कि भाई पूरा रूम में स्पीकर सेटअप करना है और आपको अगर कनेक्ट करना है उसे eARC के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन OS या UI पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं फटाफट। अगर हम Xiaomi OLED को ले ले, तो इसमें 3GB की आपको RAM मिलेगी, 32GB की स्टोरेज मिलेगी। View Masterpiece Glow में भी आपको 3GB का RAM मिलेगा, बट 16GB ऑफ स्टोरेज मिलेगा। आप अगर मुझे पर्सनली पूछेंगे ना, इवन इफ इट्स 8GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलराइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप क्या इंस्टॉल करने वाले हैं यार? Netflix, Prime, Zee, Sony Live, Hotstar, वो सब के लिए 8GB भी इज इनफ। हाँ, अगर आप Android पे गेमिंग करना चाहते हैं, तब जाके आपको 16-32GB का रिक्वायरमेंट होगा। पर मेरे हिसाब से, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, एंड्रॉइड गेम्स इज नॉट द वे टू गो। इट्स बेटर टू कनेक्ट योर पीसी टू इट, या फिर अगर आपके पास एक कॉन्सोल हो एक्सबॉक्स या प्लेस्टेशन की तरह, उसे आप कनेक्ट करके एंजॉय कीजिए। पर स्टोरेज के मामले में ऑब्वियसली Xiaomi OLED इज अहेड। प्रोसेसर की अगर हम बात कर ले, दोनों ही टेलीविजन में आपको कॉर्टेक्स की 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर्स मिलेंगे। एंड्रॉइड वर्जन में आपको एंड्रॉइड 11 मिलेगा यहाँ पे ऑन Xiaomi OLED, एंड्रॉइड 10 मिलेगा, बट इवन दिस इज नॉट सच अ बिग पॉइंट, क्योंकि इवन विद एंड्रॉइड 10 ना आपको बहुत सारे एक्चुअली में इंप्रूवमेंट्स मिले थे ओवर एंड्रॉइड 9, जैसे इसका जो वीडियो कोडेक्स एक्सेट्रा है, AV1 कोडेक का सपोर्ट आपको एंड्रॉइड 10 के साथ ही मिलने चालू हो गया था, तो इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम। और इन टर्म्स ऑफ द UI अगर हम बात कर लें, एंड्रॉइड 11 और एंड्रॉइड 10, अगर आप स्टॉक UI की बात करें ना, दोनों इज मोर ऑर लेस द सेम, बिकॉज दोनों ही में अभी आपको गूगल की UI जो अपडेटेड UI थी, उसकी अवेलेबिलिटी आपको दोनों ही में, एंड्रॉइड 11 और एंड्रॉइड 10 में। पर Xiaomi OLED में ऑब्वियसली आपको पैच वॉल UI भी मिलता है, तो ये उसकी प्रोप्राइटरी UI है। बहुत लोगों को ये अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दिस UI इज ऑल्सो अ लिटिल हैवियर, तो ये और ज्यादा स्पेस खाएगी और ज्यादा RAM को यूटिलाइज करेगी। तो यहाँ पे RAM एंड आपको बोलेंगे स्टोरेज इज सफिशियंट इनफ टू मैनेज दिस, और इसके एडवांटेजेस भी है, जैसे IMDb का इंटीग्रेशन है, तो अगर आप कंफ्यूज हो आपको क्या कंटेंट देखना है, आप सिंपली IMDb के रेटिंग्स के हिसाब से वो कंटेंट को फिल्टर आउट करके उसे देख सकते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। सो IMDb इंटीग्रेशन जो है वो काफी अच्छी बात है। और ये पैच वॉल की अगर हम इंटरफेस देख लें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है IMDb इंटीग्रेशन, तो आई बिलीव यस, दिस इज नॉट अ बैड UI, ऑलराइट। पर इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक एंड्रॉइड जो UI है वो खराब है यार, वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट इट इज वेरी लाइट एंड इट इज वेरी ब्रीजी फास्ट, ऑलराइट। सो दिस इज नॉट रियली अ नेगेटिव पॉइंट कि इसमें एंड्रॉइड 10 है, पर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, क्योंकि एक में एंड्रॉइड 10 है, एक में एंड्रॉइड 11 है, ऑलराइट। सो एंड्रॉइड 11 बीइंग द लेटेस्ट, यू आर फ्यूचर प्रूफिंग योर टेलीविजन, सो उस हिसाब से यस। अब फाइनली हम चलते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टेलीविजन, विच इज द पिक्चर क्वालिटी, क्योंकि ये एकदम नंबर वन पॉइंट है जब आप एक टेलीविजन को लेते हैं, और इसीलिए मैंने काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पिक्चर क्वालिटी की, या डिस्प्ले और पिक्चर के बारे में, पैनल टाइप को लेकर के। Xiaomi OLED इज ऑब्वियसली एन OLED पैनल,
और OLED पैनल इज वेरी डिफरेंट टू अ QLED पैनल, क्योंकि अ QLED पैनल अगर हम देख लें इज नथिंग बट एन LED पैनल ओनली, जो LED टेलीविजन होते हैं आपके वही पैनल है, सिर्फ ये अंतर होता है LED और QLEDs में कि सपोज ये हाथ मेरा है यू नो इसका बैकलाइटिंग, ऑलराइट, ये हाथ मेरा हो गया आपका पैनल, ओके, पैनल और बैकलाइटिंग के बीच में एक क्वांटम डॉट लेयर ऐड हो जाता है, ऑलराइट, ये क्वांटम डॉट लेयर क्या करता है, इट वर्क्स लाइक अ फिल्टर, तो आपके कलर्स और बूस्टेड रहेंगे सैचुरेशन में और खिल के वाइब्रेंट दिखेंगे बिकॉज ऑफ दैट क्वांटम डॉट लेयर इन बिटवीन, ऑलराइट, बैकलाइट और आपका जो पैनल है उसके बीच में। और पैनल की अगर हम बात कर लें, व्यू मास्टरपीस व्यू में आपको एक आईपीएस पैनल मिलेगा, सो आपकी व्यूइंग एंगल्स ऑब्वियसली अच्छी होगी, तो अगर आप एंगल से भी बैठ के देखना चाहते हैं इट विल बी गुड। OLEDs के जो व्यूइंग एंगल्स है दैट आर एनीवेज गुड, एंड OLEDs इज अ डिफरेंट बीस्ट, एक अलग ही जानवर है ऑल टुगेदर, बिकॉज OLED में क्या होता है कि एवरी सिंगल पिक्सल जो है जो टेलीविजन में वो ऑफ या ऑन आप कर सकते हैं, ऑलराइट, डिपेंडिंग ऑन द पिक्चर रिक्वायरमेंट। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप एक सनसेट की सीन देख रहे हैं या सनराइज की सीन देख रहे हैं, ऑब्वियसली ना वो जो डिफरेंस होता है, एक सीन आपका ब्राइट हो गया, आई मीन एक पार्ट आपका ब्राइट हो गया, एक पार्ट आपका डार्क हो गया टेलीविजन पे, तो ये सब सीन्स में ना जहाँ पे ब्राइट और डार्क एरियाज है स्क्रीन पे, उस मामले में तो OLED एकदम खिल करके आपको दिखेगा, क्योंकि इट कैन इंडिविजुअली टर्न अ पिक्सल ऑन और ऑफ, ऑलराइट। सो OLED पिक्चर की जो पिक्चर क्वालिटी है एक QLED या एक LED उसको बीट नहीं कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी, ऑलराइट। पर OLED के कुछ रिस्क भी आते हैं, जैसे OLED में आपको एक बर्न इन का रिस्क होता है जो अनफॉर्चुनेटली हर एक OLED पैनल पे है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक यू नो OLED पैनल यू नो कुछ साल बाद बर्न इन हो जाएगा, ये आपकी यूसेज के ऊपर भी डिपेंड होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने अपने स्क्रीन पे सिर्फ एक स्टैटिक कंटेंट रख दिया, ऑलराइट, और उस स्टैटिक कंटेंट को आप दिन भर चला रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आपने अपने टीवी को अपने पीसी के साथ कनेक्ट किया है, आपको पता है जैसे वो आइकन्स दिखते हैं, जैसे आप मेरी भी स्क्रीन देख रहे हैं, अगर यू नो कुछ कुछ आइकन्स होंगे macOS की आइकन्स, तो अगर वो वैसे ही है और वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे यू नो वैसे ही रहेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो एक बर्न इन का रिस्क और ज्यादा हो जाता है OLED पे। पर अगर आप डायनामिक कंटेंट देख रहे हैं, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है जो आइकन जहां पे है वहां पे नहीं है, आई मीन पिक्चर मूविंग पिक्चर है, तो OLED की जो बर्न इन रिस्क है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी कम हो जाएगी, पर वो रिस्क फिर भी है। आपको QLED पैनल में वो रिस्क नहीं होगा ऑफ बर्न इन, एंड इन फैक्ट द परफेक्ट बोल सकते हैं ना कि मिडवे या वर्क अराउंड बिटवीन एन OLED एंड बिटवीन अ LED पैनल इज अ मिनी LED पैनल, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लूंगा थोड़ी ही देर में। सो मिनी LED आई बिलीव इज दैट स्वीट स्पॉट, ऑलराइट, पर प्लीज नोट कीजिएगा व्यू मास्टरपीस ग्लो जो है वो मिनी LED टेलीविजन नहीं है, इट इज अ स्टैंडर्ड QLED पैनल और IPS है। रही बात ब्राइटनेस की, ना ब्राइटनेस के मामले में ना Xiaomi की जो इंडियन मॉडल है उसमें उन्होंने ब्राइटनेस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो उनके चाइनीज मॉडल्स हैं जो चाइना में रिलीज होते हैं ऑब्वियसली उसमें यू नो वो ब्राइटनेस लेवल्स को डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि करना पड़ता है, ऑलराइट, इंडिया में वेरी ट्रिकी है, नहीं करते। और उनके जो मॉडल्स हैं इन चाइना दे हैव बिटवीन 800 टू 1000 निट्स ऑफ ब्राइटनेस विच इज द लेटेस्ट मॉडल्स, ऑलराइट। ये जो मॉडल जो हाल ही में इंडिया में रिलीज हुई है Xiaomi की OLED, उसमें आपको ब्राइटनेस की इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगी, सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, आई डोंट नो and I can't comment on it. पर आपको View Masterpiece Glow में आराम से 800 nits की peak brightness मिल रही है, और ये उन्होंने अपने site पे भी लिखा हुआ है, और आपको आराम से यहाँ पे दिख जाएगा, you know, अगर आप features में भी जाएंगे सबसे पहले तो वो यही highlight करेंगे कि इसमें आपको 800 nits की देखिए peak brightness मिलेगी, alright? So ये एक अच्छी information है to have. Contrast ratio, now I don't know why उन्होंने लिखा हुआ है, यार this is like 1 million, is it 1 million, 100,000, 1 million, 10 million, 10 million is 2:1. My God, I don't think this information is accurate, because agar aap contrast ratio dekhenge OLED ki 150,000 is 2:1 hai yahan pe of Xiaomi OLED, and trust me, OLEDs can't be beaten in terms of contrast ratios. All right, OLED ki jo contrast ratio hogi na, it is ultimate. All right, so view jo bhi likh le yahan pe, all right, it is not going to be able to beat OLED ki contrast ratios. Alright, so वो बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ यहाँ पे। रिफ्रेश रेट जो है यहाँ पे Xiaomi बहुत बड़ा मार खाती है, बिकॉज एट दिस प्राइस पॉइंट यार अब सिर्फ एक 4K 60Hz दे रहे हैं, जबकि एट अ मच चीपर प्राइस पॉइंट आई एम गेटिंग 4K 120Hz इन View Masterpiece Glow। और अगर आप सोच रहे हैं यार ये OLED है वो QLED है इसलिए प्राइस पॉइंट में डिफरेंस है, हाँ आई अंडरस्टैंड,
आई विल गेट टू दैट इज वेल इन अ शॉर्ट वाइल, जब मैं यू नो कुछ ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करूंगा, बट अ लिटिल लेटर ऑन, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। तो यहां पे बहुत बड़ा एक मिस है, डॉल्बी विजन आईक्यू आपको दोनों ही में मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं डॉल्बी विजन और डॉल्बी विजन आईक्यू के बारे में और उसमें क्या डिफरेंसेस है, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, स्पेशली व्हेन आई हैव स्पोकन अबाउट एलजी एंड सैमसंग टीवीज, वहां पे मैंने डॉल्बी विजन आईक्यू और एचडीआर 10 प्लस एडैप्टिव के बारे में बात किया हुआ है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं मेरी। पर मैं ये बताऊंगा कि डॉल्बी विजन आईक्यू वर्क्स विद डॉल्बी विजन मेटाडेटा, ऑलराइट, और वो यही करता है कि अडैप्टिव लाइटिंग के हिसाब से काम करता है। तो अगर आपके यू नो रूम में बहुत सारी रोशनी आ रही है बिकॉज ऑफ you know the lights in your room, then it will adjust the picture quality according to the lighting in your room. That is exactly what Dolby Vision IQ does, and it works with Dolby Vision content. So aapko Dolby Vision content ki bhi zarurat hogi, but dono hi mein available hai, Dolby Vision IQ, HDR 10 plus bhi dono hi mein available hai, HLG ka bhi support aapko dono hi mein milega, auto low latency mode aapko dono hi mein milega, aur MEMC bhi aapko dono hi mein milega, but obviously because of the 120 hertz refresh rate on the View Masterpiece Glow, it is going to be looking much better, जो motion handling है television की। VRR यानी variable refresh rate का support आपको सिर्फ View Masterpiece Glow में मिलेगा, और ये काफी अच्छी बात है, especially at this price point, all right? And अगर आप gaming करते हैं, तो auto low latency mode से भी I think personally VRR is comparatively more important मेरे हिसाब से, all right, to me, because अगर आप एक game खेल रहे हैं जिसमें frame rates काफी vary करते हैं, like 40, 60 के बीच में dip हो रहा है, तो उस मामले में वेरिएबल रिफ्रेश रेट काफी काम आता है। फुल अरे लोकल डिमिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन अ ओलेड टेलीविजन बिकॉज इट्स एन ओलेड, यू कैन एक्चुअली इल्यूमिनेट एवरी सिंगल पिक्सल, ऑलराइट। सो आपको फुल अरे लोकल डिमिंग की एक्चुअली में जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज डूइंग इन फैक्ट अ बेटर जॉब देन फुल अरे लोकल डिमिंग बिकॉज ऑफ एवरी सिंगल पिक्सल बीइंग इल्यूमिनेटेड, राइट। पर अगर आप व्यू मास्टरपीस ग्लो में देखेंगे तो यस, आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिलेगी। फुल अरे लोकल डिमिंग से भी अच्छा आपको एक्चुअली में मिलेगा पिक्चर क्वालिटी इन अ मिनी एलईडी, मैं उसके बारे में भी राइट आफ्टर द नेक्स्ट सेक्शन बात करूंगा, ऑलराइट। तो ये रहा आपका पिक्चर डिफरेंसेस। मैं कहूंगा कि कंपेयरिंग द प्राइस पॉइंट, आई थिंक द व्यू मास्टरपीस एक्चुअली बाजी मार जाता है। एंड स्पीकिंग ऑफ द प्राइस पॉइंट, व्हिच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, ऑलराइट, 55 इंच ही आपको मिलेगा Xiaomi की ओलेड में। तो अगर आपको 65 चाहिए, 75 इंच वाली टेलीविजन चाहिए, अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो वो साइजेस का जो ऑप्शन है आपको सिर्फ व्यू मास्टरपीस ग्लो में मिलेगा। और अगर आप प्राइसिंग की भी डिफरेंस देखेंगे तो 20,000 रुपए का डिफरेंस है। आई अंडरस्टैंड दैट इट इज एन ओलेड, इट इज अ क्यूलेड, इट इज नॉट अ फेयर प्राइस कंपैरिजन। पर आप ये भी देखिए ना कि आपको फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं इन व्यू मास्टरपीस ग्लो, जो है आपको काफी सारे फीचर्स मिल रहे हैं, लाइक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, आपको फुल अरे लोकल डिमिंग, ऑल्दो इट कैन नॉट कम्पीट विद एन ओलेड का इंडिविजुअल पिक्सल लाइटिंग, बट इट स्टिल अ फुल अरे लोकल डिमिंग जो आपको मिल रहा है विद 800 nits पीक ब्राइटनेस, जो काफी अच्छा है। आपको डिफरेंट फिल्म मोड्स दोनों ही टेलीविजन में मिलेंगे, जैसे विविड हो गया, आपका स्टैंडर्ड हो गया, एक्शन हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है आपके, तो आपको दोनों ही में मिलेंगे। डॉल्बी एटमॉस प्रोसेसर का सपोर्ट आपको दोनों ही में मिल रहा है, फार फील्ड माइक्स आपको दोनों में मिल रहा है, HDMI 2.1 आपको दोनों ही में मिल रहा है। तो यू नो बहुत सारे ऐसे यू नो फीचर्स हैं जो आपको दोनों ही में मिलेंगे, फील गुड फीचर्स जो है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, आई स्टिल थिंक फ्रॉम अ प्राइस टू वैल्यू रेशियो अगर आप उसे कंसिडर करेंगे, इट इज डेफिनेटली अ मच बेटर ऑप्शन विद द व्यू मास्टरपीस ग्लो। 20,000 रुपए मायने रखता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम इसकी रिमोट की भी बात करेंगे ना, इट इज द सेम स्टैंडर्ड रिमोट दैट यू गेट विद ऑल द Xiaomi डिवाइसेस, इवन विद द Mi Box यू गेट अ वेरी सिमिलर रिमोट। इसमें एक खामी यह है कि आपको म्यूट वाला बटन नहीं मिलेगा, जबकि अगर आप व्यू की रिमोट देखेंगे, काफी बड़ी रिमोट है और आपको उसमें म्यूट का डेडिकेटेड बटन भी मिलेगा, और इसके अलावा नंबर पैड्स भी मिलेंगे अगर आप उसके शौकीन हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है। और प्राइस के मामले में, इनफैक्ट द 65 इंच कम्स एट 99,999, एंड फ्रॉम अ प्राइस टू वैल्यू रेशियो इट इज अ मच बेटर ऑप्शन। नाउ व्हाई डू आई नॉट सजेस्ट द Xiaomi की ओलेड, बिकॉज नंबर वन, इट इज Xiaomi की ओलेड एंड इट्स कमिंग एट 89,999। अगर आपको ओलेड ही लेनी है ना, तो व्हाई डोंट यू कंसिडर अ टेलीविजन लाइक LG की A1, इट इज एन LG टेलीविजन, अ ब्रांड, ऑलराइट। तो आपको आफ्टर सेल सपोर्ट का इतना सोचना नहीं पड़ेगा, हालांकि Xiaomi की भी आफ्टर सेल सपोर्ट इज नॉट बैड, बट स्टिल LG इज कंपैरेटिवली बेटर। एंड यू आर गेटिंग अ 48 इंचेस, यस यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द साइज, यानी आप 55 नहीं 48 पे जा रहे हैं, बट ट्रस्ट मी 50 एंड 55 इंचेस के बीच में ना उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना 55 एंड 65 इंचेस के बीच में है, ऑलराइट। सो आई मीन वो दिखता है, वो डिफरेंस दिखता है, ऑलराइट। सो 48 इंचेस एट 69,999, इनफैक्ट अगर मैं आपको एक चीज बताऊं,
Amazon पे अगर आप जाएंगे ना, ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, उस लिंक को क्लिक करके आप उसे खरीद सकते हैं। बट मैं हमेशा ये बोलूंगा, जहां पे भी आपको बेस्ट डील मिले, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, Amazon हो या लोकल रिटेलर्स, ऑफलाइन रिटेलर्स, आप वहीं से लीजिएगा जहां पे आपको सबसे सस्ते प्राइसेस मिलते हैं। तो इसकी जो एडवांटेज है, यहाँ पे देखिए ₹5,000 का कूपन भी मिल रहा है आपको LG की A1 में, तो इट इज इनफैक्ट कमिंग एट ₹5,000 लेसर, राइट? यानी 65,000 में आपको ही मिलेगा, विच इज अ फिनोमिनल प्राइस कंसिडरिंग द ब्रांड वैल्यू, LG की ब्रांड वैल्यू। और ये भी एक OLED टेलीविजन है बाय द वे। हाँ, इसमें भी आपको सिर्फ 60Hz का रिफ्रेश रेट ही मिलेगा और आपको सिर्फ 450 nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी इसमें। पर LG की जो पैनल्स है, स्पेशली OLED पैनल्स, दैट इज फिनोमिनल। इसमें आपको SGIG का भी सपोर्ट मिल रहा है, लो इनपुट लैग मिल रहा है, ALLM इसमें भी मिलेगा, 1ms का क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम है, सो दैट इज वेरी वेरी गुड। बट यू वोंट गेट अ 120Hz पैनल, एंड आई कैन अंडरस्टैंड एट दिस प्राइस पॉइंट कंसिडरिंग LG। अनदर ऑल्टरनेटिव इज आपका सैमसंग QN90A, जो लास्ट ईयर का मॉडल है 2021, और ये जो मॉडल है ना, वो आपको फ्लिपकार्ट में मोस्टली हमेशा अवेलेबल नहीं मिलेगा, आपको ये ऑफलाइन रिटेलर्स में आराम से मिल जाएगा। आपको एक ऑर्डर प्लेस करना होगा, दे विल प्रॉब्ली टेक 10 टू 14 डेज फॉर देम टू गेट दिस, बट आप ऑफलाइन रिटेलर से ये वाली जो मॉडल है वो आप खरीद सकते हैं। इनफैक्ट यू मे इवन एंड अप गेटिंग अ बेटर प्राइस देन 84,990, यू मे एक्चुअली गेट अ प्राइस ऑफ अराउंड 82,000-81,000 एज वेल विद ऑफलाइन रिटेलर्स। ये जो मॉडल है वो 50 inch की है, 55 की नहीं है, बट दिस इज अ मिनी LED QLED, और नॉट जस्ट दैट, इसमें आपको पीक ब्राइटनेस पता है कितना मिलेगा? यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी शॉक्ड, इट कैन गो अप टू अ पीक ब्राइटनेस ऑफ अराउंड 1800 nits। यस, 1800 nits की इसकी पीक ब्राइटनेस है, दैट इज फिनोमिनल, माइंड ब्लोइंग। ऑलराइट, सो जस्ट इमेजिन, पर ये VA पैनल है, ऑलराइट, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। बट दैट इज एन इनक्रेडिबल प्राइस टू वैल्यू रेशियो फॉर अ टीवी विच इज द QN90A, और ये एक मिनी LED है। अगर मैं इसे इवन विद अनदर मिनी LED जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज द TCL के साथ कंपेयर करूं, उसकी 55 इंचेस इज एट 1,09,000। सो थिंक अबाउट इट, TCL को आप कंपेयर करें सैमसंग से इन इंडिया, TCL ऑब्वियसली इज वेरी गुड, बट इन अदर कंट्रीज, नॉट इन इंडिया, इंडिया में उन्होंने अब तक अपना जो फुट होल्ड है वो नहीं बनाया है इन कंपेरिजन टू लेट्स से अ कंट्री लाइक US। बट TCL चार्ज कर रही है 1,10,000 फॉर द मिनी LED 55 inch। यहाँ पे आपको सैमसंग मिल रहा है एट अराउंड 80,000-85,000 विद 1800 nits ऑफ पीक ब्राइटनेस। तो मैन, दीज आर डेफिनेटली वर्थी ऑल्टरनेटिव्स। और अगर आप वही प्राइस पॉइंट में एक टेलीविजन लेना चाहेंगे ना, आप सोच रहे हैं कि Xiaomi ले, ये वाली Xiaomi ले या View ले, मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच में यू शुड गो अलॉन्ग विद View, ऑलराइट? और अगर आप साइज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, एंड इफ यू आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ Dolby Vision, then my ultimate choice will actually be the Samsung QN90A. And because this is a mini LED panel and not an OLED panel, aapko wo burn-in ka bhi jo risk hai na, wo jo tension hai, wo bhi nahi hoga. You can have the peace of mind. Aur iski jo peak brightness hai, that is phenomenal. Mind-boggling. Agar aap ek detailed comparison chahte hain, to please, comment mein zarur likh dijiyega. I can make a comparison with LG A1 and Samsung QN90A of the Xiaomi OLED ya even View Masterpiece Glow ke saath mein se compare karke. एक बिल्कुल सिमिलर वीडियो बना सकता हूं जहां पे आई गो थ्रू ऑल दीज वेरियस पॉइंट्स व्हिच आई बिलीव आर इंपॉर्टेंट। पर आज के वीडियो के लिए आई वुड से द व्यू मास्टरपीस ग्लो फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो कम्स आउट ऑन टॉप। और अगर आप एक टेलीविजन को लेना चाहते हैं एट 70,000 फॉर 55 inch, दैट इज अ फिनोमिनल ऑफरिंग, मैं कहूंगा एकदम पैसा वसूल प्रोडक्ट निकाला है व्यू मास्टरपीस ग्लो ने। तो इसके साथ हम आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करना, अगर मैं कर सकता हूं तो उसे कवर जरूर करूंगा। और अगर आपके कोई सवाल हो उसे भी कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन, बट जाने के पहले अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय हिटिंग दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो दैट बेल आइकन इन केस यू वांट टू गेट नोटिफाइड विद ऑल माय लेटेस्ट वीडियोस। और अगर आप एक टेलीविजन को मेरे Amazon अफिलिएट लिंक को क्लिक करके खरीदेंगे तो ऑब्वियसली मुझे एक कमीशन मिलेगी Amazon की तरफ से। मैं ट्रांसपेरेंटली आपको बता दे रहा हूं, पर मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको जहां पे सबसे सस्ता डील मिले
वहां से आप लीजिएगा, और ऑफलाइन रिटेलर्स भी जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑफलाइन रिटेलर्स गिव यू अ बेटर प्राइस देन ऑनलाइन डील्स, ऑलराइट? सो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। सो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।